आसान सवाल पूछने आता हूँ। दोस्तों क्या आप लोग मुझको बता सकते हो कि आग यानी कि फायर क्या है? क्या वो सॉलिड है, क्या वो लिक्विड है, या फिर वो गैस है? सोच में पड़ गए ना। चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों हम सभी लोग बचपन से यही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि मैटर के पास तीन स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन दोस्तों एक फोर्थ स्टेट भी होती है जिसका नेम होता है प्लाज्मा, जो कि सर विलियम क्रूक्स ने 1879 में डिस्कवर की थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या आग प्लाज्मा है? जी नहीं दोस्तों, प्लाज्मा स्टेट को ऑब्टेन करने के लिए हमें टेम्परेचर को कई हजार डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाना पड़ता है। जबकि दोस्तों जब हम आग लगाते हैं तो उसका टेम्परेचर सिर्फ 300 डिग्री टू 700 डिग्री तक ही जाता है। दोस्तों आप लोग यही सोच रहे होंगे कि आखिर आग है क्या, भाई बताओ। चलो दोस्तों मैं सीक्रेट रिवील कर देता हूँ। दोस्तों एक्चुअली में आग मैटर की कोई भी स्टेट में एग्जिस्ट ही नहीं करती। दोस्तों आग एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें बहुत सारी एनर्जी निकलती है हीट और लाइट की फॉर्म में।